नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आपने देखा सर, फाउंडेशन के एग्जाम ऑनलाइन बेस्ड होंगे और मैंने इसके बिहार पर एक वीडियो भी इशू करी है, मैंने आपको डिटेल में बताया है। फिर भी एक क्विक रिव्यू जल्दी से देखते हैं, कि फाउंडेशन में जो एग्जाम होंगे वो कैसे कैसे होंगे। और काफी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी हो जिसे पहले बताई थी, कोई बात नहीं, इसमें भी बेटे बता रहा हूँ मैं कैसे एग्जाम होंगे। ध्यान सुनना, पूरी वीडियो देखना, स्ट्रेटेजी समझना। मैं आपको गारंटी एश्योरेंस दे रहा हूँ, अगर आप मेरी बात मानते हुए चलोगे तो 100% एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। ये एग्जाम जो इंस्टीट्यूट करा रहा है ये CACPT द्वारा बेस्ड है। CACPT के अंदर पहले क्या होता था, एक दिन में चार एग्जाम हुआ करते थे, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, इधर बोल दिया फर्स्ट सेशन, सेकेंड सेशन। फर्स्ट हाफ में दो पेपर होते थे, सेकेंड हाफ में दो पेपर होते थे, ऑल MCQ बेस्ड होता था। बट वहां पर चैप्टर्स में जाकर, वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर देते थे या घर बैठ कर देंगे, डिफरेंस और कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, सामने देखिए सर, पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी भाई, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो आराम से बैठ कर, आराम से बैठे, भले स्पीड में देखिए पर देखिए जरूर इसको, ठीक है। चलो चलो भाई, CACPT का अगर बताऊं तो उसी कंपैरिजन में इंस्टीट्यूट ने ये इशू करे हैं नोटिफिकेशन, और बहुत अच्छी तरीके से बताया सर हमें प्रॉब्लम है कि हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, हम क्या करें। तो भाई उसके लिए भी है, पहले मैं कहा ना पूरी वीडियो देखे, स्ट्रैटेजी के साथ बताऊंगा। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्त चलो ध्यान से देखना। मैंने कहा CACPT का बता देता हूँ क्या था पहले, फिर आगे बात करता हूँ। सेम प्रोसीजर था, एक दिन एक होता था फर्स्ट हाफ, एक होता था सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में दो सब्जेक्ट होते थे और सेकंड हाफ में भी दो सब्जेक्ट होते थे, मतलब एक दिन में चार सब्जेक्ट हो जाते थे, पहला हाफ, दूसरा हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। अभी के नहीं, पहले जो पहले हुआ करता था, अब तो चेंज हो गया, CA फाउंडेशन हो गया, उसमें अलग चीज़ है। दो हाफ फर्स्ट हाफ में, इसके अंदर आपके पास 100 मार्क्स के आते थे, 100 मार्क्स में किसी में 50-50 होता था और किसी में 40-60 होता था। तो हमें नहीं करना, हमारे में क्या है सर, अगर हम इसको चेंज करें तो अब उसको हम CMA फाउंडेशन करें, इधर CMA फाउंडेशन जो कि हमें देना है एग्जाम, CMA फाउंडेशन। तो CMA फाउंडेशन के अंदर आप अगर ध्यान सुनना, मैं आपको पूरा इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन डिटेल में समझा रहा हूँ, कहीं पर आप उल्टा सीधा ना समझ लो उसको। देखो 100 मार्क्स के दो होंगे, पहला दो सब्जेक्ट जो रहेगा वो फर्स्ट हाफ में रहेगा, जो कि स्टार्ट होगा 10 बजे से, सुबह 10 बजे से अप टू 12 बजे तक। दूसरा जो सेशन स्टार्ट होगा वो होगा 2 बजे से अप टू 4 बजे तक, मतलब हमें 2 घंटे के अंदर 2 पेपर करने हैं, 2 घंटे के अंदर। सर इतना कम टाइम, वैसे तो 3 घंटे हुआ करता था, इतना कम टाइम, मैंने कहा सर हैवी तो MCQ। देखो तो पहले दो सब्जेक्ट जो होने वाले हैं, पहले हाफ में फर्स्ट सेशन बोला इसको, फर्स्ट सेशन बोला, और पहले हाफ में जो फर्स्ट हाफ जो रहेगा सुबह के टाइम, उसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। पूरा समझना सर, मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, इससे तगड़ी स्ट्रेटेजी आपको कोई नहीं बता पाएगा, बहुत अच्छे समझना। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे पेपर आएगा, पूरा बताऊंगा कैसे कैसे पेपर आएगा, ध्यान सुनते रहे। पेपर नंबर 1 आपका इको और मैनेजमेंट है, और पेपर नंबर 2 आपका पेपर नंबर 2 आपका अकाउंट और कॉस्ट, यही है इको मैनेजमेंट अकाउंट और कॉस्ट। ये आपके पास जो रहेगा सर, इधर ध्यान सुने, ये आपके पास जो रहेगा पेपर नंबर 1। अब पेपर नंबर 1 100 मार्क्स का रहेगा, जो कि 100 मार्क्स है, पर इसके अंदर 50 MCQ आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर क्या हमें 2 मार्क्स में रीजन देने की जरूरत है? आप सोचो क्या आप वहां पर रीजन दे पाओगे, आप खुद ही सोचो, नहीं दे पाएंगे सर, रीजन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। 100 नंबर का पेपर रहेगा, 50 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे MCQ, जिसके हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। अब इको एंड मैनेजमेंट है, तो मैं कहूंगा इसमें 25 नंबर का इको आ जाएगा और 25 नंबर का मैनेजमेंट आ जाएगा, ये तो गारंटी है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट जब 50-50 का स्लैब बनाया था पहले भी, तो अब भी 50-50 का बनाएगा, तो 25 MCQ इको, 25 MCQ बिजनेस, और आपके पास 100 मार्क्स का होगा, कैसे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, नो रीजन, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, टिक करा दो नंबर पूरे। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट एग्जाम दे पाएगा जिसके पास स्मार्टफोन है, जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास डेस्कटॉप है, कंप्यूटर, और जिसके पास टैब है, इनके पास ये 4 चीजें वही एग्जाम दे सकता है। सर हमारे पास तो नहीं है ये 4 चीज, तो हम क्या करें? तो इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको ऑप्ट आउट ऑप्शन दे दिया, जो मैंने रिक्वेस्ट करी थी इंस्टीट्यूट से, कहा कि भाई जो बच्चा एग्जाम देने में फेल हो जाता है, ध्यान सुने, जो बच्चा एग्जाम देने में फेल हो जाता है उसके लिए ऑप्ट आउट ऑप्शन है। उसके लिए क्या है? ऑप्ट आउट ऑप्शन, मतलब वो एग्जाम नहीं दे पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए ऑप्ट आउट ऑप्शन ला रहे हैं। यहाँ पर कैंडिडेट स्टूडेंट फेल टू अपियर द होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑप्ट आउट फीस,
ऑप्ट आउट ऑप्शन आ गया, मतलब आपने जो सितंबर के लिए 1200 रुपए फीस भरी थी अब वो एडजस्ट हो जाएगी दिसंबर के लिए। अगर आप एग्जाम नहीं दे पा रहे तो ये मान कर चलेगा इंस्टीट्यूट कि आपने ऑप्ट आउट मतलब ऑप्शन चूज कर लिया है कि आप दिसंबर देना चाहते हो सितंबर नहीं देना चाहते। पर मेरा खुद का मानना है किसी तरीके से कहीं से भी एक कहीं से भी मोबाइल का एग्जाम इंतजाम कर लीजिए दोस्त, कहीं से भी लैपटॉप का इंतजाम कर लीजिए, कहीं ऐसी जगह बैठ जाइए 2 घंटे के लिए बस एग्जाम दे दीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट एग्जाम नहीं होने वाला, ये लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है क्योंकि ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, हर एक टिक पे 2 नंबर, ना रीजन देने की जरूरत ना कुछ। तो कोशिश करिए एग्जाम दे, छोड़ने की कोशिश मत करिए, दिमाग में ये बताइए कहीं से भी जुगाड़ करिए दोस्त, कर सकते हो आप जुगाड़ू है कर सकते हो, कहीं से भी जुगाड़ करिए, कहीं से भी मोबाइल एटलीस्ट जुगाड़ कर लीजिए कि भाई दोस्तों से मांग लीजिए भाई 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए मुझे मोबाइल दे दे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम देना है। कोई दोस्त मना नहीं करेगा, अगर दोस्त के पास है तो कोई दोस्त मना नहीं करेगा, बस अपने मन में ना वो होनी चाहिए कि भाई हाँ यार मैं एग्जाम देना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ दोस्त इससे बेस्ट एग्जाम हो ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ आपका बहुत रिजल्ट अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप एग्जाम छोड़ना मत। क्यों भाई, पहली बात तो 100% पेपर एमसीक्यू स्टडी मैट से आएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल के अंदर लॉ के अंदर 1000 से ज्यादा एमसीक्यू है पूरी बुक के अंदर, वो कर जाओ। अगर जिसको नहीं आता रट जाओ, जिसको नहीं आ रहा समझ में रट जाओ भाई, उससे ज्यादा कहीं से बाहर से नहीं आएगा, रट जाओ। पर कुछ आंसर गलत है, ये बात ध्यान रखना उसके अंदर कुछ आंसर गलत है दोस्तों, हर आंसर को फोकस ना करें, ध्यान से कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चले, ठीक है। अच्छा दूसरी बात मेरे दोस्त, कि जो एग्जाम होगा ये वाला ये बहुत सिंपल होने वाला है, एक आंसर पे टिक लगाया आंसर सही है तो टिक करते ही आपके 2 मार्क्स मिलेंगे, पर ये बात ध्यान से सुनना, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तभी एग्जाम अपियर कर पाओगे, खासकर थ्योरी सब्जेक्ट में। अकाउंट्स में बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, अकाउंट्स में कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे दोस्त, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस क्या करना है मेरे भाई, आपको बस सिंपल शॉर्ट नोट क्वेश्चन करने हैं, सिंपल क्वेश्चन करने हैं, बहुत सिंपल, आपको बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल एमसीक्यू वाले। जैसे आपने कंसाइनमेंट अगर पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर, तो वहां पर 20% को 25% कैसे बनाया जाए, 25% अगर प्रॉफिट का है तो 20% कैसे होगा प्रॉफिट का, तो ये सब चीजें आसने के चांसेस है, वहां कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करोगे टिक लगा दो, बस आपको ना तो लिखने की जरूरत, आपको पास एक ऑप्शन होगा उसके अंदर आपको टच यूनिट अगर टिक करा या माउस से क्लिक कर दिया आपका पास आंसर माना जाएगा दोस्तों। तो ये जो आपके पास सिस्टम रहेगा बहुत अच्छा है, मैं आपको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ कि आपको अगर कोई कहता है कि मत दे एग्जाम तो वो गलत कहता है दोस्त, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है, अगर नॉर्मल प्रैक्टिस भी ना, तब भी आप एग्जाम दीजिए दोस्त, क्योंकि अगर फाउंडेशन में एक बार नहीं भी होता, मेरी बात को समझे आप सर, फाउंडेशन में अगर एग्जाम नहीं भी अगर मान लेते नहीं निकला, वो जो स्टूडेंट करता है, जिसने स्टूडेंट 50% मेहनत करी है ना, आराम से निकाल देगा फाउंडेशन, मैं आपको गारंटी एश्योरेंस दे रहा हूँ, अगर फाउंडेशन नहीं भी निकलता है तो तब तो दिसंबर देना ही है, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है मेरे भाई, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है दोस्तों, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा, तो इसलिए बस क्या लगेगा, सिर्फ 1200 रुपीज लगने हैं। मेरा मानना यह है, एज अ गाइडेंस एज अ टीचर मैं ये कहूँगा आपको, अगर आप मेरी बात मानोगे तो आप जितनी आपकी प्रैक्टिस है थोड़ी और कर ले, 1 महीना बचा हुआ है, प्रैक्टिस करना चाहे, आप तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने हैं बार बार उनको लिखिए, तो आपको आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा भाई, इससे सिंपल ही हो सकता है, आप दिसंबर दोगे तो सब्जेक्टिव आ जाएगा और वहाँ पर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आप समझे, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन एग्जाम का, सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बट इन एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एंड नहीं अभी तो एंड नहीं हो रहा, मैं आपको एक बात बताऊँगा इसमें, ये 5वां पॉइंट पढ़ना सर, 5वां पॉइंट कह रहा है कैंडिडेट और स्टूडेंट आर रिक्वेस्ट टू अपियर इन फाउंडेशन एग्जाम, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप फाउंडेशन एग्जाम में अपियर हो फ्रॉम देयर होम ओनली बाय लॉगिन, आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगी विद इन द सेम टाइम स्पेन गिवन, उसी टाइम जिस टाइम एग्जाम होगा उस टाइम आपको लॉगिन आईडी मिलेगी, चाहे आपके मेल के थ्रू आ जाए चाहे आपको मेल पे आ जाए, तो आपने मेल आईडी जो डाली थी वो बिल्कुल देख लीजिए, वो फॉरगेट कर लीजिए, सही कर लीजिए, या आपके फोन पे आ जाए मैसेज के थ्रू, दोनों में से कहीं पर भी आ सकती है। लॉगिन क्रेडेंशियल एंड यूआरएल लिंक विल बी गिवन इन अ ड्यू टाइम, जो यूआरएल लिंक मिलेगा, आप कहोगे भाई लिंक कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, ये लिंक आपको या तो फोन में मैसेज में आ सकता है, ईमेल पर आ सकता है, या वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको लिंक, वो जब आएगा मैं उसके लिए भी वीडियो निकाल दूंगा जल्द से। इट मे बी नोटेड दैट इफ एनी कैंडिडेट गेट डिसकनेक्टेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर वो एग्जाम दे रहा है वो डिसकनेक्ट हो जाता है, मान लो उसका नेट नहीं चला, नेट खत्म होने की वजह से डिसकनेक्ट, व्हाइल टेकिंग द एग्जामिनेशन
दे मे लॉग इन अगेन टू फिनिश द रिसेट द रेस्ट ऑफ द एग्जाम। तो अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो बाकी भी एग्जाम दे सकता है, दोबारा लॉग इन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार लॉग इन करा तो बस हमेशा के लिए हो गया ना, लॉग इन हो रहा है डिस्कनेक्ट हो गया फिर कर लो लॉग इन हो रहा है। फेसबुक आई डी जैसा है, लॉग इन करते जाओ करते जाओ। सर मान लेते हैं कि हमारा एग्जाम दिया और हमने लॉग इन करा और मान लो काफी टाइम तक नेट नहीं चला, टाइम खत्म हो गया। अब उस केस के अंदर तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालेगा इसलिए इंस्टीट्यूट को। बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं सर मन के अंदर, तो जो भी आपका क्वेश्चन अराइज होते हैं वो आप मुझे लाइन से लिखिए, लाइन से कमेंट कर दिया। आप एक ही कमेंट के अंदर एक ही लंबा मैसेज कर लिख दिया सर पहला पॉइंट ये रहा मेरा पहले से रहेगा, ये पूरा कमेंट मैं आपको इंस्टीट्यूट को मेल करूंगा प्रेसिडेंट सर को बिल। तो उस केस के अंदर वो मुझे रिप्लाई अगर देते तो मैं आपको जरूर दे देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, जरूर देंगे क्योंकि हम तो बच्चे की हेल्प कर रहे हैं ना दोस्त, तो रिप्लाई जरूर देते हैं मेरे तो खासकर। तो मेरे को तो रिप्लाई आ जाता है दोस्तों, आपको पता नहीं है पर मेरे को रिप्लाई आ जाता है और मैं जैसे मुझे रिप्लाई आता है मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम जरूर लिख दीजिए, मैं सारी प्रॉब्लम आपको उनको सर को मेल कर दूंगा, मतलब इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर मेल कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर बाद में कह रहा है कि भैया लास्ट वगैरह इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर टच होते रहे देखते जाए, बिल्कुल। बट अब जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ वो स्ट्रेटेजी को ध्यान समझ लो। देखो आपका पेपर कैसा आएगा मैं आपको बताता हूँ, पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा है, पेपर पैटर्न कैसा होगा, पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है हमारा, अब ऑनलाइन एग्जाम में तो आपको मोबाइल में इसमें मिलेगा तो वहां पर क्वेश्चन पेपर होगा तो वहां पर टिक लगाने का ऑप्शन होगा। पहली बात जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन नंबर ये चल रहा है, एक दो तीन चार का ऑप्शन है यहाँ पर आपको भाई, इस पर आपने टिक लगाया इस पर क्लिक कर दिया तो ये आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। ऐसा करना है आपको बस नॉर्मल। फिर अगला क्वेश्चन उठाना है, एक दो तीन चार ऑप्शन आएंगे इस पर क्लिक करना है, बस क्लिक कर दो या टच कर दो, अपने मोबाइल में चेक कर टच कर दो, कंप्यूटर में चला रहे हो तो माउस से क्लिक कर दो, क्लिक कर दे आपके पास ये ऑप्शन, ये तो आपके पास रहना होगा। अब पैटर्न कैसे होगा, पैटर्न ये होगा दोस्तों आपको क्या करना है, अकाउंट प्लस इको एंड मैनेजमेंट एक साथ आएगा। तो अकाउंट मान लेते हैं पहले 50 क्वेश्चन फर्स्ट टू, 50 क्वेश्चन इको मैनेजमेंट के आ गए, फिर उसी के नीचे स्टार्ट हो जाएंगे अकाउंट के पहले से 50। ऐसा नहीं कि आपको ब्रेक मिलेगा ना उसी दो घंटे के अंदर, पहले से 50 आपके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो। पहले 50 आपको क्या मिल जाएंगे, इको मैनेजमेंट, फर्स्ट टू 50 आपको क्या मिल जाएंगे अकाउंट्स। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा शायद वहाँ पर, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ये रहेगा कि आपके पास स्लाइड करने का ऑप्शन होना चाहिए, स्लाइड करने का सीधा अकाउंट पहले जाए और वहाँ पर टिक कर दे, अकाउंट पहले जाए वहाँ पर टिक, अकाउंट पे टिक कर, मतलब अकाउंट की क्लास अकाउंट का पेपर पहले दे दे। तो ऐसे पेपर आएगा, इको मैनेजमेंट के 50 क्वेश्चन होंगे प्लस के बाद साथ में दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा सेक्शन बी, उसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर किसमें होगा, 2 बजे के बाद जो हमारा टाइमिंग है किसका, लॉ का एंड मैथ का। असर मैथ कैसे करा जाए, सर मैथ तो आपको कॉपी लेकर बैठनी पड़ेगी आपको, मैथ में तो सर प्रैक्टिकली है पर सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उसमें इग्नोरेंस दिखाएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे उसमें इग्नोर करिए, सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के अंदर। तो आप सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्पल्स जो होते हैं स्टडी मैथ के अंदर एग्जाम्पल्स है, अगर जो कैलकुलेटर में मैक्सिमम सोल्व हो जाते हैं वो क्वेश्चन पे आप ज़्यादा मेहनत करिए, उस पर आने वाला एग्जाम है। सेम प्रोसीजर, पहले से 50 आपके पास रहेगा लॉ का और फर्स्ट टू 50 फिर लाएगा मैथ का। स्लाइड का ऑप्शन जरूर मिलेगा शायद आपको, जिसके अंदर आप टिक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पहला आपका एग्जाम कौन सा देना है मैथ के, उसमें कैलकुलेटर लेकर बैठे और आपके पास कॉपी लेकर बैठे, टाइम का बाउंडेशन रहेगा, चीटिंग के लिए कुछ तो कुछ करा ही होगा, तो किसी पर डिपेंड ना हो कि हमारे पास तो ऑनलाइन एग्जाम है। और मैं आपको फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्त, आपकी प्रैक्टिस अगर 50% भी है ना आप एग्जाम दीजिए, ये मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है। आप कहोगे सर आपकी रिक्वेस्ट मान के आपने, आप माइंड से निकाल दे कि मैं नहीं दूंगा, मेरा नेट कनेक्ट कहीं से भी जुगाड़ करिए दोस्त, पर आपको एग्जाम देना है, मेरी ये बात मान लो भाई, 6 महीने बच जाएंगे, कृपया करके मेरी बात मान लो 6 महीने बच जाएंगे, दिसंबर ना हो गए जून ना, जून में सीधा अगले जून 21 के अंदर आप इंटरमीडिएट में हो जाओगे मेरे भाई, कृपया करके आपको खुशी होगी कि मैं एग्जाम, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है फाउंडेशन का। और क्यों, क्योंकि ये सिचुएशन एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है सर, ऐसा कभी किसी ने करा नहीं, तो इसलिए आप कह रहे हो कि आप एग्जाम दीजिए छोड़ो मत, बिल्कुल मेरी बिल्कुल हाथ जोर से रिक्वेस्ट है आपके भाई कि एग्जाम बिल्कुल मत छोड़ना। अगर नेट कनेक्टिविटी है कुछ ऐसी चीज़ नहीं आ रही तो आप जुगाड़ कर सकते हो, आप उसको करिए कहीं ना कहीं मैनेज करिए, कहीं ना कहीं दोस्त से मांगिए, दोस्त से बोलिए सर भाई मेरे को दो घंटे के लिए कुछ एग्जाम, मेरे को एग्जाम कहीं भी आप ICMA की साइट करो, लॉगिन आईडी लिंक मिलेगा आपको, लॉगिन आईडी वहाँ डालो पुट करो, आपका एग्जाम चालू हो जाएगा दोस्त। तो कृपया करके आप ऐसी जगह बैठ जाइए, ऐसी जगह चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन हो तो आप कहीं ना कहीं जुगाड़ आप कर सकते हो। देखो
देखो कहीं ना कहीं आप कर सकते हो एग्जाम, पर मैं कह रहा हूँ किसी भी तरीके से अगर आप एग्जाम दे सकते हो तो दीजिए। आपकी अगर प्रैक्टिस 50% लेना आप एग्जाम दीजिए, 100% जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये एग्जाम मैंने पैटर्न बता दिया कैसे आएगा। पहले 50% आ सकते हैं, स्लाइड का ऑप्शन ऑप्शन आ सकता है, वहां पर आप टिक करो आपका आंसर माना जाएगा। टिक आपका आंसर, टिक करा आपका आंसर माना जाएगा। क्या सर आंसर चेंज भी कर सकते हैं? हाँ चेंज कर सकते हैं। ऐसे मान लो आपने टिक कर दिया और आपको लग रहा है कि नहीं यार नहीं हो सकता, तो चेंज होने का चांसेस कहीं ना कहीं वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, वो तो आपका इंस्टीट्यूट से, मैं बिल्कुल इंस्टीट्यूट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बेस पर मॉक टेस्ट निकालेगा, और मैं एक वीडियो जरूर निकालूंगा इंस्टीट्यूट की वीडियो पर। इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करूंगा सर मॉक टेस्ट जरूर कराए, टेस्ट जरूर हुए जिससे आपको एक स्टूडेंट को पता चले कि उसका एग्जाम होगा कैसे। ठीक है, आप जरूर उसको करेंगे। तो बात आती है पढ़े क्या, बात आती है कि पढ़े कहाँ से और कैसे पढ़े, हर में बताए। तो मैं आपको पहले अकाउंट्स में बता रहा हूँ, अकाउंट्स एंड कॉस्ट। पहला सबसे पहले आप बेसिक का एमसीक्यू, प्रूफ ऑफ फिंगरप्रिंट जितने सब कर लीजिए। मतलब बेसिक छोड़ो, पूरे अकाउंटेंसी के अंदर एमसीक्यू प्रूफ ऑफ फिंगरप्रिंट, पूरे अकाउंट्स के अंदर एमसीक्यू प्रूफ ऑफ फिलअप। ये मत सोचना फिलअप नहीं आ रहे, ट्रूफल्स नहीं आ रहे तो हम फिलअप नहीं करते, फिलअप और ट्रूफल एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं। अब क्या मैचिंग, ये सब अगर आप मेरी बात मान रहे हो, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप उसके कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि यार टाइम नहीं है मैं नहीं दे पाऊंगा, तो दिक्कत मत लो भाई, आप उसको रट जाओ। मैं कह रहा हूँ रट जाओ, कोई बात नहीं, इंटर में दोबारा से पढ़ लेंगे। जो फाउंडेशन में आपके चैप्टर अकाउंट के अंदर वो इंटर में फिर दोबारा है, जो लॉ के अंदर चैप्टर वो इंटर में फिर दोबारा है, तो इको मैनेजमेंट है नहीं इंटर में, मैथ एंड स्टेट है नहीं इंटर में, तो दो ये आपके पास जो इंटर में फिर दोबारा वही चैप्टर फिर दोबारा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो घबराने वाली बात नहीं कि हमारा बेसिक अच्छा नहीं है, बेसिक इंटर में फिर बन जाएगा भाई, एग्जाम भी तो निकालना है। ठीक है, तो बेसिक अगर आपका जहां तक है स्टूडेंट ने पढ़ लिया है, ठीक है, तो एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप मैचिंग, हर एक क्वेश्चन 5 टाइम करो और पीडीएफ बनाकर इस आईडी में भेज दो। काफी स्टूडेंट भेजते हैं, काफी स्टूडेंट नहीं भेजते, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस जरूरी नहीं है भेजना भाई, ये मेरी आईडी है भाई, ये नहीं। आप इसके अंदर मेल कर सकते हो, मैं एक बार चेक कर लूंगा कि आपने जो करा वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, फिर आपको रिप्लाई दे दूंगा उस मेल के अंदर। ठीक है भाई, भाई और कोई प्रॉब्लम है, और कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आपको एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम, आप मुझे मेल कर दीजिए, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको उस मेल पर सोल्यूशन दूंगा। ठीक है सर, तो भैया एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप मैचिंग 5-5 बार करिए। मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ 100 में से 100 आने के चांसेस भी होते हैं एमसीक्यू में, 100 में से 100 या तो गलत होगा या ठीक होगा। तो जो बच्चा अच्छे से है तो 100 में से 100 भी ला सकता है, ठीक है, 50 में से 50 भी ला सकता है अकाउंटेंसी के अंदर। तो मेरा एक पूरा मानना है आपको ना तो ज़्यादा पैनिक होना है ना कुछ करना है, आपको सिंपली क्या करना है, बड़े क्वेश्चन को इग्नोर करो, एमसीक्यू क्वेश्चन को उठाओ और 5-5, 10-10 बार उसको बार बार लिख लिख कर क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ आंसर लिखो। मेरा मानना यही रहता है कि बच्चा स्टूडेंट तभी ढंग से पढ़ता है जब वो लिख कर करता है, अगर वो बोल कर पढ़ रहा है याद करके पढ़ रहा है वो कभी सक्सेस नहीं ले सकता इस सीएमए के अंदर, पर लिख कर जो करता है ना सर वही कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे कोई भी हो, आप उसको लिख कर करें, कोशिश करें कि कैलकुलेटर में ज़्यादा सॉल्व हो जाए। सर स्टैट्स में बड़े क्वेश्चन आएंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएंगे, तो स्टैट में छोटे क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू देखिए ना स्टैट्स के अंदर कितने हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर एमसीक्यू देखिए ना कितने हैं, वो सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। मैं कह रहा हूँ जितने एमसीक्यू है, जितने ट्रू फॉल्स है, जितना फिलअप है, वो सब करो भाई, सब उसके सब करो। ऐसे क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो टाइम कंज्यूमिंग होगा, मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे भाई जो टाइम कंज्यूमिंग होगा, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो विद इन 1 मिनट आपका सोल्व कर दे, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 1-1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाए। 50 क्वेश्चन हैं आपके पास, 2 घंटे हैं, तो 1 मिनट एक क्वेश्चन को दोगे तो 50 मिनट हो जाएंगे, 50 मिनट 2 घंटे हो जाएगा, मतलब एक बार। मैं कस कह रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन हो गए जो एक बारी में टिक कर दो जल्दी से पढ़कर, ऐसा को मैथ के अंदर ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैथ में मैं एक ही सोल्यूशन दूंगा आपको, बहुत सिंपल है। आप छोटे छोटे क्वेश्चन उठाइए, जैसे आपने रिवीजन तो कर ही लिया है, अब आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन उठाइए, एमसीक्यू बेस्ड, या एमसीक्यू बेस्ड नहीं है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस, स्टैट्स में एमसीक्यू बेस्ड उठाइए। देखो मैथ में बताता हूँ, बाकी तो सबको एमसीक्यू करना है, चाहे वो इको है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे लॉ है, चाहे लॉ का भैया कॉन्ट्रैक्ट के सारे पीछे के क्वेश्चन कर लेना, नहीं आता रट लो, बार बार लिख कर लो, पर सारे कर लेना। लॉ के अंदर बाहर से आएगा नहीं कुछ, मत करना लॉ के अंदर, लॉ के अंदर एमसीक्यू जब सब्जेक्टिव होता है तब भी 80% पेपर आ जाता है, तो 100% आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% लॉ के अंदर पेपर स्टडी मैट से आने वाला है, आपको बाहर से करने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। सबसे पहले
सबसे पहले मैथ और स्टैट में, भाई मैथ की तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे भाई, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मैथ आपको लिखकर ही करनी पड़ेगी, विदाउट लिखकर आप सॉल्व करना मुश्किल है। कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं जो ट्रिक से हो जाते हैं, जो बिल्कुल आप आसान से कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे थे, पर ऐसे नहीं है कि हर क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैथ क्या बड़े क्वेश्चन को इग्नोर, जो बड़े बड़े लंबे लंबे मैथड वाले क्वेश्चन है ना उसको इग्नोर कर दो, तो बिग क्वेश्चन को छोड़ दो। जो क्वेश्चन एक दो तीन चार लाइन का है ना उसकी प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन एक दो तीन चार लाइन का उसकी बिग क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोरेंस करो, शॉर्ट क्वेश्चन करो, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, जैसे कॉम्बिनेशन एनसीआर निकालना होता है, जैसे 2C1 निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चन। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमें क्या पेपर ही सिंपल आने वाला है मेरे भाई, पेपर ही सिंपल आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन को करो, छोटे छोटे, जिसका आपके पास एक दो तीन लाइन का चार लाइन का मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, चार से पांच लाइन से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मतलब जो कैलकुलेशन से ज्यादा है ना, वो क्वेश्चन मत करिए, वो करने लायक भी फायदा नहीं उसको करने का। मैक्सिमम जो आपके पास रहेगा दोस्त वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। आप एग्जाम देख दोगे, आपको आपको कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा वहां पर कि भाई कैसे मैं एग्जाम दूं। और जब भी आप एग्जाम दोगे, मान लो जब भी एग्जाम होगा ये 6 सितंबर को, तो मैथ का आप पहले करिए, ठीक है, मैथ का आप पहले करिए, टाइम कंज्यूमिंग होगा। और ये देख लीजिए भाई, लॉ के अंदर ना, लॉ के अंदर कुछ ऐसे, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कंफ्यूज कर देगा भाई, इको मैनेजमेंट नहीं करेगा इतना कंफ्यूज, अकाउंट्स नहीं करेगा, पर लॉ आपको कंफ्यूज कर देगा। लॉ में बच्चा वही लॉ का पेपर अच्छे से कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे से हो रखे हो, या जिसके रटने की क्षमता बहुत अच्छी हो, जिसने ढंग से रटा होगा कि भाई एक क्वेश्चन का आंसर यही है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोस्तों लॉ में चारों ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि मतलब चारों एक जैसे ही होते हैं, चारों एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए सही आंसर को पिकअप करने का सही तरीका यह है कि आपको लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट को सही पढ़ना पड़ेगा। पहले एमसीक्यू देखो पीछे की, भाई कहाँ से आ रहे हैं, उसके भी आप पर कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर एमसीक्यू करो। एमसीक्यू देखो भाई ये एमसीक्यू इस चैप्टर से आ रहे, तो उसके चैप्टर को पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो, तरीके अपने ढूंढो तरीके खुद ही कि भाई कैसे मैं इसको प्रिपेयर करूँ। एमसीक्यू देखो, हर कोई आपको बताने वाला थोड़ी ना है सर, कुछ तो अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना सर, टाइम टू टाइम आपको देखो, बहुत से टीचर मैं कुछ और कहूंगा, और टीचर कुछ और कहेंगे, और टीचर कुछ कहेंगे, क्या 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 कर लोगे सर, खुद का सुनो सबकी, पर करो खुद की, ये समझ लो आप, सबकी सुनो, सब क्या कह रहे हैं, जो उनसे टीचर की बात आपको अच्छी लग रही है उसको आप अप्लाई कर लीजिए कि हाँ मेरे लिए ये सही लगे, मेरे खुद के ओपिनियन है, मैं खुद चाहता हूँ कि जो टीचर की आपको बात अच्छी लगी आप वो अप्लाई करिए, आराम से आराम अप्लाई करिए, क्योंकि सर हर, मैं ये कह रहा ना, करो खुद की और सुनो सबकी, सबको सुनो कि भाई हर एक टीचर क्या आपने ओपिनियन दे रहा, कैसे करनी चाहिए प्रैक्टिस और किस तरीके से रहा। जो टीचर पाए आप, तीन चार टीचर आपको, पांच छह टीचर मान लेते हैं यूट्यूब के अंदर जो फाउंडेशन को पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर आप देखो कि पांचों टीचर में कॉमन क्या चीज है, क्या कह रहे हैं पांचों टीचर, एक ही बात कहेंगे कि भाई स्टडी मटेरियल को मत छोड़ना, स्टडी मैट करना, तो स्टडी मटेरियल एक कॉमन हो गया, हाँ ये करेंगे, और कुछ करने को नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्कैनर करने को बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्कबुक करने को ना, वर्कबुक लास्ट ऑप्शन, वर्कबुक लास्ट ऑप्शन है, वहां पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। आपको मेनली जो करना है स्टडी मटेरियल के हर एक क्वेश्चन कर लेने, कम करो जितने को, मैं आपको बता दूं हर एक स्टूडेंट का माइंड दोस्तों एक जैसा होता है, डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है, डिपेंड कर रहा है एक स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो मेरा एक ही स्ट्रेटेजी रहती है, पहला आप उस क्वेश्चन को कितनी बार कर रहे हो, कॉम्पिटिशन जब तक नहीं बनेगा ना, कॉम्पिटिशन बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए कि हाँ तूने कितनी बार करा, मैं तो भाई पांच बार करा, मैंने 10 बार कराया, अच्छा तूने 10 बार कराया तो मैं भी 10 बार करूंगा। दोस्तों कॉम्पिटिशन एक बहुत जरूरी होता है, और कॉम्पिटिशन आपको खुद अपने मन से निकालना पड़ेगा, अरे वो 5 बार करना है तो मुझे भी 10 बार करना चाहिए। आपके पर्सनल ग्रुप है वहाँ पर पूछिए भाई कितनी कितनी बार करा है, सर मैंने कहा है कि 5 बार करो मैक्सिमम, मिनिमम 5 बार करो, मैक्सिमम जितनी बार आप कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपके दिमाग में बैठेगा और उतनी बार आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, 1 घंटे का पेपर आधे घंटे में सॉल्व कर जाओगे। ये हकीकत है दोस्त, ये हकीकत है, प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ती है, प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, जो हमने एक क्वेश्चन का आंसर तो ये है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे लिख लिख कर उतना आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप सीधा ये अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि मैथ के अंदर बड़े क्वेश्चन मत करना, अकाउंट्स के अंदर बड़े क्वेश्चन मत करना, सिर्फ एमसीक्यू पर जाना, बड़े क्वेश्चन इग्नोरेंस दिखा दो, एमसीक्यू को कॉन्सेप्ट को समझ कर करो, एमसीक्यू बेस को आप ढंग से करो, एमसीक्यू से ही आएंगे, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, गारंटी कह रहा हूँ, पेपर एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स मैचिंग से ही आने वाला है। स्टडी मैट के अलावा कुछ मत पढ़ना, स्टडी मैट एक ग्रंथ है हमारे लिए, बहुत बड़ी चीज है स्टडी मटेरियल। अगर आप पूरे एक लेवल में नहीं, मैं इंटरमीडिएट लेवल को ही पढ़ा रहा हूं भाई, वहां पर भी स्टडी मैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर 100% स्टडी मैट से आता है, 100% स्टडी मटेरियल से आता है,
मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ठीक है? तो सुनो सबकी, सारे टीचर की सुनो, क्या क्या कह रहा है, जो आपको अच्छा लगे, आपको कहता है हाँ ये वाला सही तरीका है, मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो आप अप्लाई करिए। पर मेरे जरूर बात मानना, चाहे टीचर कोई कुछ भी कहे, मेरी एक बात जरूर मानना, सबकी सुनो पर मेरी एक बात जरूर मानना, पहली जो भी आप करोगे, जिस टीचर की आप बात मानोगे, जिस टीचर को आप फॉलो करते हो उस टीचर को करो, पर जब भी आप करोगे ना तो लिख कर करना और मैक्सिमम टाइम करना, ठीक है? अगर कोई टीचर कह रहा है कि पहले इस तरीके से पढ़ो तो पढ़ो, पर पढ़ो नहीं लिखो, बस ये कहना चाहता हूँ मैं, लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लिख कर रहे हो ना तो आप बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आप पास हो, 100% पास हो। तो मेरा मानना ये है कि बड़े क्वेश्चन को ना करें, छोटे को छोटे क्वेश्चन, जैसे कि पीछे हमारे हर स्टडी मैट के अंदर इतने सारे एमसीक्यू बेस्ड है, और स्टडी मटेरियल के लास्ट में स्कैनर है, बस उसको कर लीजिए, बस खत्म, और कुछ नहीं करना भाई। 60 नंबर के एमसीक्यू ट्रू वॉल्स तो पहले भी थे, अब और क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा, अब तो एमसीक्यू 50 है, पहले तो 60 आते थे, अब एमसीक्यू 50 है, समझो, और देखा जाए तो और कम हो गया, पर 2 नंबर के है, तो हमें 2 नंबर से क्या मतलब, हमें कौन सा 2 नंबर में सोल्यूशन देना है भाई, हमें तो कुछ भी नहीं देना। तो पहली बात तो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, बड़े क्वेश्चन को इग्नोरेंस दिखाए, छोटे छोटे क्वेश्चन को पकड़िए, चाहे वो क्वेश्चन है, चाहे वो लिखकर क्वेश्चन हो, चाहे बड़े हो, छोटे क्वेश्चन, चाहे वो लिखकर क्यों ना हो, हैंड से क्यों ना हो, क्योंकि कॉपी आप आराम से पीछे साइड में खोल सकते हो, कॉपी आप करके आप आराम से कर सकते हो भाई, कैसे, क्योंकि विदाउट मैथ के अंदर तो भैया कॉपी खोल के आंसर हो नहीं सकता, समझ में आ रहा है? और इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर भाई, बिना कॉपी खोले कैसे होता, हाँ लॉ के अंदर तो कॉपी नहीं खोल सकते, पर अकाउंट के अंदर तो खोल सकते हैं ना भाई। काफी बच्चे सोच रहे होंगे अरे लॉ के अंदर पीछे आंसर खोल के बैठेंगे, बस जहां दिखा वहीं, तो मैं कह रहा हूँ टाइम बाउंडेशन भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा भाई, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट खुद ही कहता है कि टाइम बाउंडेशन मिलेगा, 2 घंटे से ज़्यादा मिलेंगे नहीं, अब आप देखने में टाइम वेस्ट कर लो। अब चीटिंग तो वही बंदा मान सकता है जिसमें पढ़ा हो, ऑब्वियस ही बात है, जिसको ये नहीं पता होगा ये कंसेप्ट कहाँ पर है, ये कंसेप्ट कहाँ पर है, तो कैसे करेगा, तो चीटिंग मानने का तो सवाल ही नहीं होता। तो आप जितनी आपको खुद से मेहनत, देखो चीटिंग अभी मान लोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, इंटर में फिर दोबारा कहाँ जाओगे, इंटर में तो सर इंस्टीट्यूट के पास ही जाना है, वो टपका देंगे आपको, इसलिए अभी अपनी मेहनत से करो, इंटर में अपनी मेहनत से पास करो। तो ये माइंड में बिल्कुल भूल जाओ, प्रोफेशनल लेवल के अंदर चीटिंग करके पास हो जाए ना, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। अब अभी तो कर लोगे फाउंडेशन के अंदर, पर इंटर में पक्का टपक जाओगे भाई, यही है दोस्तों, जो चीटिंग करता है वो टपकता ही है, ठीक है भाई? तो मेरी मानना ये है कि आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसी दिन मिलेगा, 6 तारीख को लिंक मिलेगा, 6 तारीख को लॉगिन आईडी मिलेगी, जितनी बार चाहो उतनी बार लॉगिन कर सकते हो, अगर डिसकनेक्टिविटी हो गई है पहले डिसाइड कर लो पेपर देना नहीं देना। मेरा पर्सनल गाइड मैं आपको करूंगा कि पेपर दो, 100% दो पेपर, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएंगे, और तो कुछ हो नहीं सकता, ज्यादा फेल हो जाएंगे ना, पर मैक्सिमम कह रहा हूं 80% का रिजल्ट तो सब्जेक्टिव में था, 80% का रिजल्ट तो मेरे भाई सब्जेक्टिव में था, तो सब इस बार भी 80% आएगा, तो 20% बच्चे जो कहते हैं फेल हो जाएंगे वो दिसंबर दे देंगे यार, वैसे भी आपको दिसंबर ही देना है, अगर आपके माइंड में सेट है कि नहीं यार मैं सितंबर नहीं देना चाहता दिसंबर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, दिसंबर दे दो, पर ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्या पता निकल जाए, बच जाएगा ना यार महीने, क्या पता नहीं। तो मेरा पर्सनल गाइडेंस है, आपने चाहे पढ़ा हो 50% भी आपने पढ़ा है ना, तो आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर लो भाई, कर लो, बस आपको कमेंट में लिख देना सर आपके पास क्या कहां से स्टार्ट कर, मैं आपको कह रहा हूं ना वही, पूरे चैप्टर उठाओ, एक एक चैप्टर उठाओ, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स बहुत पांच बार करो मैक्सिमम, जितनी आप ज्यादा 5 बार तो मिनिमम बोला है, आप इसके बाद जितनी ऊपर करते हो आपका और अच्छे नंबर आएंगे, और स्पीड से होगा, 1-2 घंटे का पेपर 1 घंटे में हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है भाई? तो बने रहिए मेरे साथ, अगर कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट पर करिए, उसकी वीडियो एक नई वीडियो बनाऊंगा मैं, हर वीडियो के अंदर ही कहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको कमेंट करिए, मैं उसके बिहाफ पर एक नई वीडियो बनाऊंगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, पूरा पेपर मैंने पैटर्न आपको समझा दिया है, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, बस आपको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल छोटे क्वेश्चन करिए और एमसीक्यू बेस्ड ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स ये सब करिए, इनको आप जितनी ज़्यादा बार करोगे उतनी ज़्यादा बार समझ लेना आपके अच्छे नंबर आएंगे, कम जितना आप कंजूसी दिखाओगे मार्क्स में भी कंजूसी हो सकता है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हो जाए, इसलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइए, मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।